स्पोर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जॉय ज्योति। और आईपीएल चल रहा है। आईपीएल के लिए खास प्रोग्राम T20 मार्कशीट लेके हाजिर हुए हम, और चर्चा करेंगे जो मैचेस हो गए हैं। कल एक बढ़िया मैच हुआ था, पंजाब वर्सेस बैंगलोर। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन पंजाब क्रिकेटर्स द्वारा। पंजाब मैच जीता 5 विकेट से। पहले बल्लेबाजी की यहाँ पर बैंगलोर, और नया कप्तान है विराट कोहली। कप्तान नहीं रहे अभी, फाफ डुप्लेसी कप्तान है। और कप्तानी पारी देखने को मिला फाफ डुप्लेसी से। 88 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेला यहाँ पर फाफ डुप्लेसी, और 205 रन की एक बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा किया RCB। उसके बाद 206 रन टारगेट था। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच हो रहा था, और पंजाब के बल्लेबाज शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से किया वहां पर। शिखर धवन पिछले साल दिल्ली के लिए खेल रहे थे, इस साल पंजाब के लिए खेले, बेहतरीन शुरुआत की। मयंक अग्रवाल एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वहां पर। और उसके बाद भनुका राजापक्से आए, 195 स्ट्राइक रेट से बैटिंग की यहाँ पर भनुका राजापक्से। और उसके बाद इस ये जो जारा की टीम है, पंजाब की टीम में वीर भी है, आई मीन शाहरुख खान भी है। शाहरुख खान आए और यहाँ पर एक बहुत अहम पार्टनरशिप निभाई शाहरुख खान ऑडियंस मीट से। ऑडियंस मीट कैरिबियन हीटर है, इस तरह से शॉट्स खेले कल, बिल्कुल लग रहा था ब्रूट म्यूजिक चल रहा है वहां पर स्टेडियम पे, डीवाई पाटिल स्टेडियम पे। और पंजाब ने 2014 के बाद 200 के ऊपर रन चेस किया। और ये जो गूंज जीत की जो शनाई, ये जो गूंज, ये डीवाई पाटिल स्टेडियम से मोहाली तक पहुंचे कल। तो इसी बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके ऑलरेडी स्पेशल करेस्पॉन्डेंट सुप्रिया सक्सेना। सुप्रिया जी, वेलकम टू स्पोर्ट्स थैंक यू क्लासेस। जॉय। मुझे लग रहा था कि इतनी तारीफें, इतना भयंकर पूरी भूमिका बांधी है जॉय ने, तो आज लगता है मेरा कोई रोल ही नहीं रहने वाला है इस कॉन्वर्सेशन में। बाप रे। बट नहीं, थैंकफुली आई गॉट द चांस टू स्पीक एंड आई एम सो ग्रेटफुल। सीरियसली जॉय, इट वॉज फन वॉचिंग द मैच यस्टरडे। यू नो, इट वॉज अ सॉलिड डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग बाय, सॉरी, सॉलिड डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, सॉलिड बैटिंग डिस्प्ले बाय बोथ द टीम्स। पंजाब किंग्स एंड इवेंचुअली बीटिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बाय 5 विकेट्स इन द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन। आई मीन, दिस इज टेरिफिक। एब्सोल्युटली। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, विराट कोहली के काफी फीमेल फैंस है, फीमेल फॉलोअर्स है, और वो इंक्लूडिंग मी माय चीकू। इसलिए इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि विराट कोहली कल एक अच्छा नॉक खेला यहाँ पर, 41 रन की एक पारी, और अच्छा लग रहा था, अच्छे टच में लग रहा था। कप्तान नहीं रहे लेकिन एक अच्छा पारी यहाँ पर जरूर देखने को मिला विराट कोहली से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विराट कोहली की मैं हमेशा से फैन रही हूँ। वो बात अलग है कि उन्होंने अनुष्का से शादी कर ली, मैंने उन्हें माफ किया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, विराट कोहली के इतने लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस के बाद हमने पार्टी करी जम के घर पे, और यही वजह कि मैं अभी तक ऑफिस भी नहीं पहुंच पाई हूँ। तो विराट कोहली जिस दिन शतक ठोके यार, तो फिर 2 दिन तो ऑफ है ऑफिस। 2 दिन ऑफ, एग्जैक्टली, बहुत दिनों बाद ये जब तक देखने को मिला है। एंड सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं कहना चाहूंगी कि इतने टाइम के बाद विराट, अपने विराट दर्शन दिए विराट ने, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे अपेक्षा रहेगी, आई मीन वर्ल्ड कप की भी जो टीम बनेगी उसमें भी जो एक कहते हैं डाउनफॉल आया विराट की इमेज में, तो अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बोर्ड को भी ये दिखेगा कि नहीं, हमें इसको फिर से कंसिडर करना चाहिए। उनको खुद के उनका खुद का जो एक मोरल डाउन हो गया था ना विराट कोहली का, आपने बीच में जी देखा तो उन्होंने खुद ही पेस ऑफ कर लिया था, स्टेप बैक कर लिया था। तो मुझे लगता है इस तरीके की परफॉर्मेंसेस जब एक स्पोर्ट्स पर्सन देता है तो उसको खुद का एक मोटिवेशन मिलता है उसको। तो आने वाले टाइम में व्हाट डू आई फील कि नहीं, विराट जो है आगे फिर से एक बार वैसे ही कप्तानी करते नजर आएंगे वर्ल्ड कप टीम के लिए भी। कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन विराट कोहली का रोल बहुत ही अहम होने वाला है आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप है। हालांकि अभी तो जी इंडियन टीम के रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन विराट कोहली कॉन्ट्रोवर्सी से जूझ रहे थे, और कल अच्छे बहुत दिन बाद एक अच्छे मतलब नॉक में 41 दिखे। ऑफ 29 बॉल्स, आई मीन हाँ अनबीटन, तो दिस वाज रियली हाँ वेरी अमेजिंग वाचिंग हिम प्ले लाइक दिस नाउ। बिल्कुल। और शीट एंकर रोल निभा रहे थे यहाँ पर फाफ डुप्लेसी, जो कि कप्तान है, नया कप्तान है बेंगलोर के। वो बेहतरीन पारी के लिए इनिशियल स्टेजेस में फाफ डुप्लेसी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बॉल घूम रहा था वहां पर, स्पिन हो रहा था,
और थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था और एक कैच भी छूटा था। राहुल चहर का हेयर स्टाइल तो बहुत बढ़िया है, फुटबॉलर्स की तरह हेयर स्टाइल करते राहुल चहर, उनका गेंद पर नहीं पाए फाफ डुप्लेसी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की वाकई काबिले तारीफ है। फाफ डुप्लेसी जो नया कप्तान है बेंगालोर के, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं ओवरऑल मैं इससे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि शाहरुख खान का नाम लिया था आपने अभी, राइट? आप पंजाब जानते हैं, पंजाब के, बिल्कुल मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ बॉलीवुड फ्रीक भी बड़ी जबरदस्त हूँ। जो बिल्कुल मैंने कल शाहरुख खान को देखा कि ये वैट एंड ओवर पिच डिलीवरी बाय हर्षल पटेल, जस्ट यू नो वाइड ऑफ द बॉलर फॉर अ बॉलर, एंड इट्स गेम ओवर एज पंजाब किंग्स चेस डाउन 206 रन टारगेट विद एन ओवर टू स्पेयर। सो दिस वाज अमेजिंग टू सी, मतलब इट वाज रियली अमेजिंग टू सी। और साथ ही में ओडियन स्मिथ रिटर्न्स अनबीटन ऑन 25/8, दिस वाज आल्सो वेरी गुड। आई मीन जिस प्लेयर की आपने बात करी है, शाहरुख खान जैसे हमारे बॉलीवुड के बादशाह है ना, वैसे मुझे लगता है शाहरुख खान इस टीम में भी बादशाह होने वाले हैं। व्हाट डू यू से जॉय? बिल्कुल। और शाहरुख खान जारा की टीम में है, वीर जारा के याद ताजा कर दिया कल शाहरुख खान। और मैं 9 टाइम्स देखा ये वीर जारा मूवी, तो कल जब शाहरुख खान खेल रहे थे मैंने तो सोचा कि ये मैच तो पंजाब जीतने वाला है नहीं, लेकिन उसके बाद शाहरुख खान का जो पारी और ओडियन स्मिथ के साथ जिस तरह से उन्होंने साझेदारी निभाई वाकई काबिल तारीफ है। और वीर जारा का याद जो यादें बिल्कुल ताजा हो गई। मैं कल गाना सुन रहा था मैच के बाद वीर जारा की, कौन सा वाला जितने गाना? वीर जारा का सारे जितने भी गाने गाना सुने? सारे। तो जारा से, आप जारा से इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए अभी? हाँ, अभी अभी तो वीर से हुए हुए, क्योंकि वीर इतने बढ़िया तरीके से कल बैटिंग की, जरा की ये जो टीम है इनको हाँ जीत दिलवाई तो बहुत बड़ी बात है। और 2014 के बाद 200 रन चेस करके हाँ यहाँ पर जीता, तो एग्जैक्टली। एंड ये टॉकिंग अबाउट ओडियन स्मिथ, जॉय, टॉकिंग अबाउट हाँ ओडियन स्मिथ, ही वैग मोहम्मद सिराज फॉर 3 sixes एंड अ 4 या आर 35 runs कम इन द प्रीवियस ओवर। सो दिस वाज अमेजिंग टू सी प्लेयर्स, यू नो द यूथ प्लेयर्स, द यूथ आइकन्स हैं हमारे यूथ के, दे आर, यू नो, दे आर प्लेइंग सो वेल। एंड एक आईपीएल का अपना एक अलग ही, देखिए, एक नशा है, मैं कहूंगी एक एडिक्शन है आईपीएल अपने आप में। क्रिकेट तो गॉड है हमारे नेशन में, लेकिन उसके अलावा आईपीएल का अपना एक अलग ही एरोमा रहता है, एक एम्बियंस रहता है। तो लोग आईपीएल को लेके जितने दीवाने हैं, स्पेशली हमारी यूथ आईपीएल को जिस तरीके से लेके चलती है, तो इट इज लाइक उनके लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि अगर उनके टिकट्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार नहीं गया आपकी बार। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से बैटिंग की ऑडियंस में टेनिस बॉल शॉट्स लगा रहे थे और कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पर मोहम्मद सिराज, क्योंकि इतने भी खराब डिलीवरी डाल नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह से शॉट खेल रहे थे ऑडियंस में कुछ कर नहीं सकते वहां पर मोहम्मद सिराज, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है वहां पर, हेल्पलेस है वहां पर मोहम्मद सिराज। और यू नो, जब एक बात गेम अपने एंड पे था, जो आए तो आए, यू नो, रेड सम ट्वीट्स गोइंग ऑन, तो उसमें कितने लोगों ने ट्वीट करा था कि लेट ड्रामा है डीवाई पाटिल स्टेडियम, जस्ट 3 more overs टू गो एंड पंजाब नीड्स 36 more। मतलब लोगों में जो एक्साइटमेंट था, छोटे छोटे वन लाइनर्स एक एक दो दो तीन तीन के सेकंड के अंतर पे ट्वीट्स आ रहे थे। तो दैट्स व्हाट, यू नो, आईपीएल एक कहना चाहिए, मैं गलत शब्द तो नहीं होगा, एक रिलीजन सा बन गया है सबके लिए, कि मतलब एक एब्सोल्युटली धर्म। एग्जैक्टली, क्रिकेट हैज बिकम अ रिलीजन एंड आईपीएल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू नो, कहना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट आइडल हो गया है हमारे लिए। बिल्कुल। और कल शिखर धवन ने भी एक बढ़िया पारी खेली यहाँ पर, गब्बर, इंडियन क्रिकेट के गब्बर है। और शिखर धवन का एक खासियत है, दिल्ली के लिए जब खेलते थे तब भी जब मैच जिताते थे वो ड्रेसिंग रूम या होटल पे जाके भंगड़ा नाचते थे। कल भी जो खबर है पंजाब खेलने से, बिल्कुल एकदम क्या बात है, शुक्रिया जी यहाँ पर भंगड़ा नाच लिया। और क्या बात है पार्टी, यू नो, कि विराट ने इतना बढ़िया खेला इतने दिनों बाद, तो इट इज लाइक, यू नो, द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन इज, यू नो, स्मिथ को काफी हिट कर रही थी, बट लेकिन वो इतना कमिटेड थे कि वो लगे ही रहे उस चीज में। और जहां तक आप शिखर धवन की बात कर रहे हैं, शिखर धवन तो एनी टाइम, यू नो, ही सच अ जॉली गाय, सच अ फन गाय। आपने अगर उनके रील्स देखे हो, जो शॉर्ट ड्यूरेशन रील्स बनाते हैं, ही सच जी फन लविंग गाय। मतलब उनको वो उनको मिमिक करना पसंद है, उनको यू नो एक्टिंग करना पसंद है, उनको भंगड़ा करना पसंद है, उनके स्टेप्स लोग कॉपी करते हैं और अपनी रील्स बनाते हैं।
बिल्कुल, और बिल्कुल बिंदास अंदाज में आते हैं, खेलते हैं, जब अपने लय में होते हैं तब खत्म कर देते हैं ओपोनेंट टीम को। और कल भी वैसे ही स्टार्ट किया यहाँ पर शिखर धवन, और एक बढ़िया नॉक खेला यहाँ पर। ज्यादा वक्त नहीं है, एक आखिरी सवाल। विराट कोहली कल 41 किया, अपने रात भर पार्टी की, लेकिन इसके बाद जब सेंचुरी ठोकेगा तब ये जो छुट्टी, 2 दिन का जो छुट्टी, वो अप्रूव होगा या नहीं? क्योंकि सेंचुरी जब छुट्टी, मुझे लगता है जो है कि नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर ना हो जाए कहीं, क्योंकि बहुत दिनों पे आंख लगाए थे सब। अब अगर सेंचुरी मार दिया विराट ने ना, तो सीरियसली मुझे लगता है कि ये नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होने वाला है उस दिन। क्या लगता है? नेशनल हॉलीडे हो या ना हो, दिस हॉलीडे विल बी लाइक कि सब क्रिकेट खेलेंगे, आज कोई काम नहीं होगा। सब क्रिकेट खेलेंगे और घरों में क्या जितनी लेडीज होंगी वो चीयर्स करके ऐसे 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 करेंगी, जहाँ बाकी जितने जेंट्स होंगे सब क्रिकेट खेल रहे होंगे। इट इज लाइक फन मोमेंट। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, क्रिकेट हैज ऑलवेज बीन अ रिलीजन इन आवर कंट्री। एंड कई बार लोगों की तरफ से ऐसे सवाल उठते हैं, डिस्कशंस होते हैं कि हमारा नेशनल गेम क्रिकेट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब नेशनल नेशनल गेम गेम नहीं नहीं है है, लेकिन रिलीजियन है क्रिकेट रिलीजन इंडिया हो में। गया है। तो लाइक नेशनल गेम इज हॉकी, लेकिन हमारा रिलीजन अगर कोई पूछेगा तो वो क्रिकेट ही है, बिकॉज हम उसे बहुत बेटरमेंट के साथ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हम क्रिकेट को अपने देश में भी और बहुत ग्लोबली नाम कमा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ आर नेशन एंड ऑफ आर प्लेयर्स, नेशनल टीम। और बिल्कुल, आईपीएल तो है ही इंडिया का, बल्ले बल्ले। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 2 मैचेस हुए, केवल 2-3 मैचेस हुए, और लंबे समय तक ये आईपीएल चलेगा। तो हर दिन मैं, सुप्रिया और अनिशा हाजिर हो जाएंगे स्पोर्ट्स फ्लैशेस में, चर्चा होगा क्रिकेट के बारे में, फन मोमेंट्स को लेके जरूर चर्चा करेंगे। और जो मैंने कहा, 2 दिन का छुट्टी तो बनता है विराट कोहली के सेंचुरी के बिल्कुल। तो बाद। फिर एक काम करते हैं, हम लोग विराट से बात करते हैं कि आप ना अपना जो मैच है ना, प्लीज फ्राइडे को ही रखिएगा, तभी हमें 2 दिन का छुट्टी मिल पाएगा। ना बिल्कुल, अभी तो फिलहाल आईपीएल चल रहा है, बाद में कॉम्प ऑफ ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन मोर थिंग जॉय, आप कोई अनुष्का भाभी को कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, अनुष्का तो छोड़ ही दिया, विराट सबका, विराट सबका है। अब अनुष्का तो हाल छोड़ दिया, क्योंकि इतने फैन फॉलोअर, फीमेल फैन फॉलोअर्स अभी भी शादी के बाद, ये तो हैरानगी होगी अनुष्का शर्मा के लिए, मैं जॉय, क्योंकि वन मोर थिंग, व्हाट डू आई फील जॉय, कि हाँ आपको नहीं लगता, मैंने थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट है हमारी इंडियन मेंटालिटी का, थोड़ा सा मैं कहूंगी, या इंडियन मेंटालिटी ना कहूँ, ओवरऑल शायद ह्यूमन नेचर ऐसा है। मुझे बड़ा खराब लगा था जब बीच में विराट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन आने लगा था, तो लोग अनुष्का की तरफ छींटाकशी करने लगे थे, उनको जी, ब्लेम करने लगे थे, बट दिस इज सो सैड। वो उनका क्या रोल है उस एब्सोल्युटली, चीज में? ऑफकोर्स, मतलब इंसान है यार, गलती हो सकती है, क्या हमसे नहीं होती, आपसे नहीं होती, तो उससे भी हो सकती है। हमें तो इस चीज का प्राउड होना चाहिए, इस चीज का हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इतना अच्छा क्रिकेटर है, उससे ज्यादा अच्छा इंसान है, उससे ज्यादा अच्छा वो हस्बैंड साबित हो रहा है, उससे ज्यादा अच्छा वो बाप साबित हो रहा है। तो ये भी तो एक रोल्स है जिंदगी के जिनमें हमको फुलफिल करना है अच्छे से। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल रिएक्ट टू दिस काइंड, आई मीन इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से किसी भी पब्लिक को, किसी भी फैन को, कि आप एकदम से उसकी फैमिली लाइफ पर, उसकी पर्सनल लाइफ पे उंगलियां और ताने कसने लगी। बिल्कुल, और इंटरफीन करना भी नहीं चाहिए फैमिली लाइफ पे। यहाँ पर एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा कि मैं कवर कर रहा था क्रिकेट, तब आईपीएल कवर कर रहा था, और बैंगलोर के कप्तान थे, 3-4 साल पहले की बात में बोल रहा हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर कोलकाता के आईटीसी सोनार बांग्ला में। विराट कोहली आए जी जी और यही सवाल कि अनुष्का शर्मा को लेकर एक सवाल किए गए विराट कोहली को, लेकिन तब जो बैंगलोर के जो मीडिया मैनेजर है, तब वो रिपोर्टर को बोला कि नहीं, ये सवाल हम नहीं ले सकते, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि मैं इसका आंसर दूंगा, और उन्होंने कहा कि अनुष्का शर्मा है इसलिए मैं सफल हो रहा हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। और जो नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं, ये इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। और तजब की बात है कि कॉमन पीपल, जो जिसको क्रिकेट आता नहीं, क्रिकेट नॉलेजेबल नहीं है, वो भी बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा को लेकर, जब विराट कोहली 0 पे आउट हो रहा है, अनुष्का के वजह से आउट हो रहा है, तो ये बहुत। That's why, interrupting in between, या that's why you say that media has to be more responsible.
यू नो व्हाट वर्ड्स दे यूज, अगर ये पब्लिक पर्सनालिटीज हैं तो हम भी पब्लिक ही हैं, हम भी मीडिया हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम अपने व्यूज दे रहे हैं, 10 लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए अपना। अगर हम इस तरीके की एब्सोल्युटली बातें करेंगे तो आप खुद सोचिए, जो इंसान, जो क्रिकेटर, जो स्पोर्ट्स पर्सन हमारे देश का नाम रोशन करता आया है, वो कहीं ना कहीं डीमोरलाइज होने लगेगा। अपने ऊपर उस बात को अपना के देखिए, एम्पथाइज करके देखिए, आपको शायद विराट से ज्यादा बुरा लगेगा अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपकी किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में कोई बोले। आज क्या होगा, आज क्योंकि सूरज जो है उग गया है तो सब सलाम करने लगेंगे कि भाई उसने 41 और 29 बॉल्स दिया, वाह। जरा सा बेचारा पीछे होगा तुरंत तो उसकी टांग खींचने लगेंगे। दैट्स अ वेरी नेगेटिव मेंटालिटी एंड आई स्ट्रिक्टली, यू नो, स्ट्रिक्टली वॉन्ट टू टॉक अगेंस्ट इट। मुझे ये बहुत खराब लगता है। आई थिंक मीडिया पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस चीज की। पब्लिक का जो एक लेवल है, IQ लेवल है और एक मेंटालिटी है, उसको इन्फ्लुएंस करने में मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो सेंसेशनल सुनने, कहने और दिखाने की बजाय अगर हम पॉजिटिविटी दिखाएं, सुनाएं, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, और यही कहना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट कीजिए विराट कोहली को, रिस्पेक्ट कीजिए अगर आप फैन है विराट कोहली का, अगर आप फैन नहीं है तो भी रिस्पेक्ट कीजिए, और विराट कोहली का जो फैमिली है उनको भी रिस्पेक्ट कीजिए। और देखिए, जब विराट कोहली का विराट कोहली सेंचुरी ठोकेंगे, जब अच्छे रन करते हैं तब हम चीयर करते हैं विराट कोहली के लिए, लेकिन जब विराट कोहली 0 रन पे आउट हो जाते हैं तब भी साथ देना चाहिए विराट कोहली का। तो एक दिन ना एक दिन जरूर सफल होंगे। कल बहुत बढ़िया लय में देखे विराट कोहली, एक अच्छी टैंक का रोल निभाए, और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले जितने मैचेस खेलेंगे विराट कोहली बहुत बढ़िया तरीके से खेलेंगे। यू नो थैंक यू सो जो मच। इट इज जस्ट हाँ लाइक, जैसे कि आपने प्रोग्राम का नाम बताया क्रिकेट मार्कशीट, यू नो, तो जो हमने अभी बातचीत करी, जहां मार्कशीट की हम बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक स्पोर्ट्स पर्सन का वैसा ही होता है, जैसे कि एब्सोल्युटली हमारे करते हैं उसका रिपोर्ट। आज लेकिन अगर वो किसी में मार्क्स कम भी लाता है, फेल भी हो जाता है, तो क्या पेरेंट्स उसे इस कदर डांटते हैं या उसे घर से बाहर निकाल देते हैं? नो, अच्छे पेरेंट्स हमेशा उसे काउंसिल करते हैं कि बेटा आज नहीं, कल हो जाएगा, डोंट वरी। तो वही एक अप्रोच हमारी बाकी बिल्कुल बाकी कलाकारों के साथ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर ही साइनिंग ऑफ कर रहे हैं हम, और क्रिकेट का हर अपडेट्स के लिए, IPL की हर अपडेट्स के लिए आप स्टे ट्यून रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस में, इंडिया फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। थैंक यू सो मच सुप्रिया और जी फॉर 2 दिन की जॉइनिंग। छुट्टी के लिए तैयार बिल्कुल, रहिए। मैं तो तैयार हूँ और एप्लीकेशन भी लिख रहा हूँ कि ये छुट्टी के लिए, क्योंकि विराट कोहली का सेंचुरी बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू एग्जैक्टली सो मच। और मैं जल्दी से गाड़ी चला के अपने ऑफिस पहुंचती हूँ, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। बाय बाय। थैंक यू सो बाय। मच। सिया सिया।